इस खबर में लौटेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल मिला है। जब तक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी तब तक के लिए राहत मिली है उन्हें। 3 जजों की बेंच करेगी केजरीवाल के मामले की सुनवाई। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जो अंतरिम बेल मिला है उन्हें। यह राहत वाली खबर उनके लिए। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल मिली है। जब तक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी तब तक के लिए उन्हें ये राहत दी गई है, उन्हें अंतरिम बेल दिया गया। आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले में वो जेल में बंद है। 3 जजों की बेंच करेगी केजरीवाल के मामले की सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अंतरिम बेल मिला दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल मिला। यहां पर राहत वाली खबर अरविंद केजरीवाल के लिए, जहां आपको बता दें जब तक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी तब तक के लिए उन्हें राहत दी गई है। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जहां उन्हें अंतरिम बेल दी गई है। जब तक बड़ी बेंच सुनवाई करी तब तक के लिए उन्हें राहत दी गई है। अंतरिम बेल मिला दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को। जब तक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी तब तक के लिए उन्हें ये राहत प्रदान की गई है। बता दें कि शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अब वो जेल से बाहर आएंगे, उन्हें अंतरिम जमानत, अंतरिम बेल दी गई है। 3 जजों की बेंच केजरीवाल के मामले की सुनवाई करेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल मिली है। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है दिल्ली के सीएम, जहां उन्हें अंतरिम बेल मिली है। जब तक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी तब तक के लिए उन्हें ये राहत दी गई है। 3 जजों की बेंच केजरीवाल के मामले की सुनवाई करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दी गई है। और ये रात वाली खबर अरविंद केजरीवाल के लिए, जहां अंतरिम बेल मिली है। जब तक बड़ी बेंच सुनवाई करी तब तक के लिए उनको ये राहत दी गई है। 3 जजों की बेंच उनकी उनके मामले में सुनवाई करेगी। शराब घोटाला मामले में बंद है। और फोन लाइन पे अमर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमर, बड़ी रात वाली खबर मिली है जहां अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल मिली है, जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल आपने सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई 10 बजे से स्टार्ट हुआ था, और क्योंकि उन्होंने अपनी जो उनकी जो गिरफ्तारी की गई थी, कि गिरफ्तारी के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई थी, और आज सुनवाई हुई, और सुनवाई के बाद जो उन्हें एक बड़ी राहत दी गई कि उन्हें जब तक और आज सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद जो उन्हें एक बड़ी राहत दी गई कि उन्हें जब तक अगली कोई डेट नहीं आ जाता या फिर अगली सुनवाई नहीं हो जाती है, और जब तक कोई डिसीजन नहीं आ जाता तब तक के लिए उनको राहत दिया गया है। ये एक अरविंद केजरीवाल के लिए एक कह सकते हैं कि राहत बड़ी है, आम आदमी पार्टी के लिए राहत बड़ी खबर है। इससे पहले अगर आप देखें तो उनको उनको कुछ दिन के लिए बाहर निकलने की इजाज़त भी दी गई थी, लेकिन आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट ने उनको लोअर कोर्ट ने उनको बेल दिया था। उसके बाद वो ईडी जो है हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट में उसने उस पर रोक लगा दिया था उनके बेल के ऊपर।
उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले सुनाए हैं वो सबके सामने, उनको एक बिल दिया गया और उनको जब तक ये भी कहा गया कि जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक जो है इनका ये बेल जारी रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि उनके लिए एक बड़ी राहत है, आम आदमी पार्टी के लिए राहत है। और ये बहुत दिनों से, क्योंकि वो जब जेल थे जेल से ही सरकार चला रहे थे, अपने मुख्यमंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, उसके बाद राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनको बेल भी दिया था, लेकिन ईडी हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने उनके जो राउस एवेन्यू कोर्ट है उनके कोर्ट को स्टे कर दिया, रोक लगा दिया कि जब तक कोई फैसला नहीं आता तब तक। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल गए और सुप्रीम कोर्ट में ने कहा कि जो उनकी गिरफ्तारी है वो अनलीगल है और उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने अपनी बात रखी, उनकी बात सुनी गई और ये कहा, ये जो फैसला आया उनके लिए एक राहत बड़ी खबर है। जी बिल्कुल अमर, तो राहत भरी खबर अरविंद केजरीवाल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को ये बड़ी राहत वाली खबर, जहां उन्हें अंतरिम बेल दी गई है अगली सुनवाई तक के लिए। आपको बता दें कि जब तक बड़ी बेंच की सुनवाई हुई तब तक के लिए उन्हें ये राहत प्रदान की गई है। 3 जजों की बेंच केजरीवाल के मामले की सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में जेल में बंद थे।